हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कैसे अनजान गैंग के बंदों ने जिमी को किडनैप कर लिया था और $25 मिलियन मेरे से मांगे थे। तो जैसे मैंने उनको पैसे वगैरह दे दिए तो उन्होंने जिमी को देने के बजाय मुझे जिमी की लोकेशन बता के भाई बहुत ज़्यादा घुमाया। और जब मैं वहाँ पे उनकी बताई हुई लोकेशन पे पहुँचा तो उन लोगों ने वहाँ पे भाई प्रॉपरली बॉम्ब वगैरह लगा रखा था घर के अंदर में। और जैसे तैसे करके मैं जिमी को वहाँ से बाहर लेके आ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला ब्लास्ट हुआ था। फिलहाल मैं यहाँ पे मिलिट्री बेस के पास में आ गया हूँ और आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रोजर प्रो अपनी एक पर्सनल आर्मी भी खरीदो सिक्योरिटी के लिए वगैरह। तो कल जब जिमी के साथ में हादसा हुआ तो मुझे भी लगने लगा कि प्रॉपरली भाई अपने को ना एक आर्मी वगैरह थोड़ी बहुत सिक्योरिटी के लिए तो खरीदनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैंने भाई लेस्टर को बोल दिया था कि वो भी यहाँ पे आ जाए। और मैं उसे बता रहा हूँ कि भाई मेरा बंदा भी ना अंदर की तरफ में गया है, लेकिन ये जो ऑफिसर है ये बोल रहा है कि हम परमिशन के बिना किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। फिलहाल तो ये बता रहा है कि गाड़ी वाड़ी देख के ना, मेरे कपड़े वगैरह देख के इसे ऐसा लग रहा है कि मैं भी अच्छा ही बंदा हूँ, लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि परमिशन सर मुझे नहीं है। तो अभी मैंने मिलिट्री कर्नल से बात करके निकला हूँ गाइस मैं घर से। ये बंदा यहाँ पे बोले जा रहा है, एक बार मैं इसे समझा के देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही इसे बताया कि मिलिट्री कर्नल मुझे पर्सनली जानता है तो ये बोलने लगा कि सर आप अंदर जा सकते हो, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो देखो यार, मिलिट्री कर्नल का नाम ना बहुत मस्त चलता है यहाँ पे। एक तो पूरा का पूरा बेस ही भाई मिलिट्री कर्नल के अंडर में आता है तो वो हिसाब से, लेकिन थोड़ा मुझे यहाँ पे आराम से करना पड़ेगा। एक तो ये गेट इन लोगों ने इतना ज़्यादा यहाँ पे बेकार वाला लगा रखा है, खुल गया भाई मस्त में ना, सेंसर वेंसर इसने बेकार लगा रखते हैं इसके। तो कोई बात नहीं गाइस, चलो सीधा अंदर चलता हूँ मैं। और अभी देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी आर्मी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे में मिलती है यार ये आर्मी वगैरह। तो यहाँ पे बात करने के लिए मैंने लेस्टर को भी बुला लिया है और देखता हूँ कि लेस्टर भी यहाँ पे आया है कि नहीं। और यहाँ पे देख लो प्रॉपरली भाई आर्मी वगैरह लगा रखी है इन लोगों ने। और ये बंदे ना भाई इसलिए आर्मी को यहाँ पे बेचते हैं सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि देखो आर्मी में ना प्रॉपरली 1.5-2 लाख कुछ बंदे हैं और वो हिसाब से यहाँ पे सबको तो ये लोग काम पे नहीं रख सकते। तो उसके लिए भाई ये लोग ना सिक्योरिटी के लिए थोड़े बहुत बंदों को दे देते हैं अमीर बंदों को, ताकि वो लोग भाई इनको नौकरी वगैरह दे दे। तो इनमें से अब इतने सारे बंदे यहाँ पे, और वेट एक मिनट, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दो दो टाइप की आर्मी ग्रुप्स हैं, या फिर हो सकता है कि भाई ये लोग ना अलग अलग ग्रुप के होंगे, इनमें से एक अपने को खरीदनी पड़ेगी, ऐसा कुछ चॉइस वगैरह इन लोगों ने यहाँ पे दे रखी होगी। लेकिन आप भी मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको देखने में कौन सी आर्मी बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है। फिलहाल तो मैं देख लेता हूँ कि क्या यहाँ पे चल रहा है। और लेस्टर भी यहाँ पे आ गया है मिलिट्री कर्नल के साथ में, यहाँ पे बातचीत वगैरह कर रहा है भाई लेस्टर। और यहाँ पे नीचे की तरफ जो बैठे हुए हैं ना, ये भी मिलिट्री के कमांडर हैं। इनका तो पूरा का पूरा भाई यहाँ पे सिक्का चलता है समझ लो मिलिट्री बेस के अंदर। यहाँ पे मिलिट्री कर्नल बोल रहा है कि फिलहाल के टाइम में ना दो तरह की आर्मी यहाँ पे मौजूद है भाई, ब्लैक कमांडो फोर्स है और यहाँ पे नाइट कमांडो फोर्स है। तो यार मुझे तो समझ में नहीं आया, यहाँ पे ब्लैक कमांडो, नाइट कमांडो, अलग अलग तरीके के यहाँ पे इन लोगों ने नाम रख रखे हैं, लेकिन ये जो है ना भाई यहाँ पे नाइट कमांडो फोर्स है और ये जो है ना भाई ब्लैक कमांडो है। और ये मुझे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहे हैं यार ये बंदे सच में। इनके पास देख लो वेपन्स भी बहुत ही ज़्यादा ओपी वाले हैं, लेकिन इनका जो प्राइस है ना ये है भाई $40 मिलियन और इनका जो प्राइस है ये है $50 मिलियन। तो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर देख लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत ना, मुझे बंदे एक हिसाब से लग रहा है कि यार दोनों गैंग में सेम ही बंदे लग रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नाइट कमांडो फोर्स के अंदर ना थोड़े बहुत बंदे यहाँ पे ज़्यादा होंगे, लेकिन ब्लैक कमांडो फोर्स की मैं यहाँ पे बात ही नहीं कर सकता। तो एक काम करता हूँ, अंदर की तरफ भी चल के देख लेता हूँ। और यहाँ पर देखो प्रॉपरली ना इन लोगों ने बैरिकेड वगैरह लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ प्लेन वेन भी बहुत सारे आते हैं ना वो हिसाब से। छोड़ दो गाइस, यार मुझे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि देख लो दोनों के दोनों फोर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा मस्त वाले लग रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी वाइज मुझे यहाँ पे ये वाली जो फोर्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही है, क्योंकि इनके पास मशीन गन वगैरह भी है और हाथ में मुझे मिसाइल वगैरह भी दिख रहे थे। और अभी के टाइम में ना बहुत सारे बंदे भी यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ पे सुबह सुबह मैं जल्दी आ गया हूँ, जो भी सिटी के पैसे वाले बंदे होते हैं ना वो यहाँ पे आ जाते हैं और भाई ख़रीदने लग जाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जेड प्लस सिक्योरिटी लॉस है तो उसमें फ़िलहाल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और यहाँ पे देख लो मिलिट्री की गाड़ियाँ वगैरह भी है, अगर अपने को ना थोड़ी बहुत और सिक्योरिटी चाहिए तो अपन यहाँ से खरीद सकते हैं। टैंक वगैरह लग रही है और ये गाड़ियाँ भाई मेरे ख्याल से ना नई नई रिलीज हुई हैं। ये गाड़ियाँ देख लो बहुत ही ज़्यादा मस्त है यार, ये तो देखो मेरी हाइट के बराबर यहाँ पे आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, अब इनका प्राइस तो मैंने यहाँ पे पूछा नहीं है, क्योंकि अपने को गाड़ियों से कुछ यहाँ पे मतलब नहीं है। और अभी भी ना लेस्टर मिलिट्री कर्नल के साथ में बात कर रहा है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो दो बंदे नीचे बैठे हुए ना, ये बोल रहे हैं कि मुझे प्रेसिडेंट के भाई सिग्नेचर वगैरह लेके आने पड़ेंगे पहले तो ये आर्मी को अपने साथ में लेके जाने के लिए।
तो यार मेरा सोचते ही दिमाग खराब हो गया। एक तो प्रेसिडेंट अपना दुश्मन है समझ लो, डेविड नाम का बंदा है भाई प्रेसिडेंट, तो अभी ना डेविन भी इलेक्शन में खड़ा होने वाला है। अगर अपना डेविन जीत जाता है इलेक्शन और डेविन प्रेसिडेंट बन जाता है तो बहुत ज़्यादा ही सही हो जाएगा। लेकिन आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि माइकल को भी प्रेसिडेंट बनाओ, तो देखो यार प्रेसिडेंट बनाना इतना आसान होता नहीं है गाइस, आपको भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। क्योंकि देख लो यार प्रेसिडेंट के लिए ना पहले तो अपने को बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, और उतना पैसा तो एक्चुअल में अपने माइकल के पास है भी नहीं। और यहाँ पे मैं आर्मी भी इसलिए ख़रीदने आया हूँ क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अपने को ना एक आर्मी ख़रीदनी चाहिए और सिक्योरिटी वगैरह भी रखनी चाहिए। तो वो हिसाब से समझ लो बहुत ज़्यादा पैसा मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ आर्मी के ऊपर। और अभी अपने को नया वाला शोरूम भी ख़रीदना था, फिलहाल तो अपने एयरपोर्ट के पास वाला शोरूम ना बहुत ही ज़्यादा सही चल रहा है, तो वो हिसाब से ज़्यादा कुछ भी टेंशन नहीं है। तो एक मिनट मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अभी लेस्टर यहाँ पे ना जब से देखो बात किया जा रहा है और इसे समझा रहा है, लेकिन फिर भी ये जो नीचे दोनों बंदे बैठे हैं ना भाई, ये बीच में कुछ भी बोल रहे हैं। मिलिट्री कर्नल को मैं सोच रहा हूँ कि पर्सनल में लेके जाके बात करूँ क्या, लेकिन ये सब यहाँ पे चल नहीं सकता क्योंकि देख लो एक तो अपन मिलिट्री बेस के अंदर है भाई, मिलिट्री कर्नल का घर वगैरह होता तो वो सब कुछ यहाँ पे चल जाता। लेकिन अब देखना पड़ेगा ये भाई प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बारे में क्या बात कर रहा था, और वो भी मुझे देख के समझना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ जल्दी से बात कर लेता हूँ और देखता हूँ कि प्राइस कितना फाइनल हुआ है। उनसे बात करने के बाद मैं और लेस्टर यहाँ पे साइड में आ गए हैं, और अभी के टाइम पे लेस्टर बोल रहा है कि उसे भी ना ये ब्लैक कमांडो आर्मी जो है यही पसंद आई है। और ये भी वही बोल रहा है कि पैसे तो ये यहाँ पे कम करने की बात ही नहीं कर रहा है मिलिट्री कर्नल, और ये जो दोनों भाई बंदे बैठे हुए ना नीचे की तरफ में लेस्टर बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बेकार बंदे भाई, ये बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का काम वगैरह करना पड़ेगा। और अभी के टाइम पे लेस्टर बोल रहा है कि माइकल अगर अपन डॉक्यूमेंट्स का काम वगैरह करने बैठ गए ना, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, गवर्नर के सिग्नेचर और भाई कोर्ट से भी अपने को सिग्नेचर वगैरह लेने पड़ेंगे, ऐसा यहाँ पे लेस्टर बोल रहा है, तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा माइकल। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ गाइस कि अपन इनको भाई पैसे भी तो दे सकते हैं ना, ये एक एक बंदे को अगर मैं $5-5 million दे दूँ और अपने को भाई डॉक्यूमेंट्स का काम ही ना करना पड़े। तो यहाँ पे लेस्टर भी बोल रहा है कि माइकल सोच तो तू बहुत ही ज़्यादा सही रहा है, लेकिन यार फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बंदे मानेंगे कि नहीं। एक तो मिलिट्री के बंदे भाई जल्दी ना झुकते नहीं है, पुलिस वाले समझो थोड़े बहुत पैसे फेंक देते हैं तो आ भी जाते हैं, लेकिन मिलिट्री वाले ना नहीं मानेंगे, ऐसा यहाँ पे लेस्टर बोल रहा है। तो फिलहाल के टाइम में गाइस लेस्टर ना बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से सोच रहा है भाई, और उसने जितनी भी यहाँ पे बातचीत वगैरह करनी थी वो सब कुछ यहाँ पे कर ली है। और मिलिट्री कर्नल भी देख लो अपना आर्मी के बंदों को यहाँ पे समझा रहा है भाई, और यहाँ पे ये लोग बोल रहे थे कि एक ट्रेनर्स आर्मी भी इनके पास अवेलेबल है जो कि मुझे $25 million में मिल जाएगी। लेकिन वो जो बंदे होंगे ना भाई वो अभी अभी मिलिट्री में आए हुए होंगे, वो नए बंदे होंगे, वो भाई इतने ज़्यादा ट्रेन नहीं होंगे। तो मैंने बोल दिया कि ट्रेनर आर्मी मुझे नहीं चाहिए और नाइट कमांडो फोर्स भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो भाई यहाँ पे चाहिए अपनी ब्लैक कमांडो आर्मी। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अपन यही आर्मी को फाइनल कर लेते हैं। और देख लो वेपन्स भी ना बहुत ज़्यादा मस्त है इनके पास में, और सच में काम अपना हो जाना चाहिए यार। और देखो लेस्टर भी ना यहाँ पे आ गया है और मिलिट्री कर्नल के साथ में बातचीत वगैरह कर रहा है, चलो अच्छा हो गया मिलिट्री कर्नल यहाँ से हट गया। ये दोनों बंदे ना इतने ज़्यादा ढीठ लग रहे हैं मुझे, कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं भाई डॉक्यूमेंट्स के बारे में वगैरह। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझ लो, मिलिट्री कर्नल के बाद में अगर जो दो बंदे मिलिट्री बेस संभाल सकते हैं तो वही है भाई, ये दोनों भी मिलिट्री कमांडर हैं एक हिसाब से। और यहाँ पे मेरी नज़र गई यार लेस्टर की बात करने जब तक, ये गाड़ी ना बहुत बार न्यूज़ में भी आती रहती है मिलिट्री कर्नल की भाई, एकदम प्रॉपर वाली यहाँ पे रेंज रोवर है। और आपके गाइस कमेंट्स वगैरह भी आए थे कि रेंज रोवर और बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी को ख़रीदो, तो मैंने वो दोनों गाड़ियों को भी बुक कर दिया है भाई, और वो आज हो सकता है कि अपने को उनकी डिलीवरी मिल जाएगी। लेकिन प्रॉपरली मैंने भाई उनको अच्छी तरीके से यहाँ पे बुक कर रखा है, क्योंकि देखो हर बार ना अपन जब भी गाड़ियाँ मंगा रहे थे नई वाली तो क्या हो रहा था कि गाड़ियों के ऊपर भाई डेंट वगैरह आ रहे थे और स्क्रैचेस वगैरह भी बहुत सारे आ रहे थे। तो इस बार मैंने पैसे ज़्यादा दे के एकदम मस्त वाली डिलीवरी कराई है इंटरनेशनल वाली, तो वो तो अपना यहाँ पे सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा समझ लो। लेकिन ये भी ना रेंज रोवर मिलिट्री कर्नल की बहुत ही ज़्यादा सही है, पूरा का पूरा मिलिट्री वाला रैप वगैरह लग रखा है। तो अभी ना एक काम करता हूँ जल्दी से जल्दी ना भाई, मैं एक काम करता हूँ इन लोगों से बात करता हूँ, जैसा कि मैं बोल रहा था कि $5-5 million इनको एक्स्ट्रा दे के अपन देखते हैं ये लोग मानते हैं कि अपनी बात को, पैसों के सामने ना कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं चलती है। तो फिलहाल के टाइम में ये लोग मान गए हैं $60 million में, $50 million अपनी ब्लैक कमांडो फोर्स के होंगे और $5-5 million भाई इन दोनों को मैं दे दूंगा यहाँ पे। तो अभी ना अपनी प्रॉपरली डील यहाँ पे हो चुकी है, तो इस बात के लिए गाइज लाइक तो बनता है भाई, क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे थे तो वो हिसाब से मैंने यहाँ पे जल्दी से जल्दी आर्मी को ख़रीद लिया, नहीं तो डेफिनेटली मैं ये भी पैसों को भाई बिजनेस में ही लगाने वाला था।
लेकिन अपनी सिक्योरिटी भी एक तरीके से समझ लो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं लेस्टर को बताऊंगा तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। और अभी भी देखो लेस्टर मेरे ख्याल से यहाँ पे फाइनल ना बातचीत वगैरह कर रहा है और मिलिट्री कर्नल भी यहाँ से मेरे ख्याल से जाने वाला है। तो एक काम मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा भाई प्रॉपरली ना, अभी अपने को अपने आर्मी के बंदों को चेक करना पड़ेगा कि कितने ज़्यादा ट्रेंड है ये बंदे। तो वो चीज़ की मैं यहाँ पे बातचीत वगैरह कर लेता हूँ और आधी पेमेंट मैं यहाँ पे इनको कर देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ सेटअप हो चुका है और अभी ना मिलिट्री कमांडो दोनों के दोनों चले गए हैं अपने बंदों को साथ में लेके, क्योंकि देखो एक तो अब हम यहाँ पे मिलिट्री के बंदों को खरीद रहे हैं तो इनकी टेस्टिंग भी हमें करना पड़ेगा कि कितने ज़्यादा ये बंदे ट्रेंड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे में हम इनसे खरीदने वाले हैं। तो वो हिसाब से यहाँ पे देख लो ये बंदों को ना इन लोगों ने लगा दिया है भाई, और अभी इनका ट्रायल वगैरह मार के अपने को दिखाएंगे। मिलिट्री कर्नल भी यहाँ से निकलने वाला था लेकिन वो भी अभी अभी जस्ट में यहाँ पे रुक गया और वो भी अभी ट्रायल यहाँ पे देखने वाला है। तो अभी सब कुछ यहाँ पे समझा रहे हैं भाई मिलिट्री कमांडर, और देख लो यहाँ पे प्रॉपरली ये खड़े हो गए। मेरे ख्याल से ना यहीं पे ये लोग भाई अपने को ट्रायल वगैरह दिखाने वाले हैं कि कितने ज़्यादा पावरफुल है ये बंदे। तो अभी ना मिलिट्री कमांडर मुझे बोल रहा है कि माइकल तुम पीछे की तरफ में हट जाओ और वेट करो, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टाइम पे यहाँ पे स्टार्ट भी हो जाएगा। तो मैं यहीं पे पीछे की तरफ में वेट कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पे कमांडर ने इन लोगों को ऑर्डर दे दिया है और अभी ना ये लोग पूरी तरीके से तबाही मचाए जा रहे हैं, और देख लो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली यहाँ पे फायरिंग वगैरह कर रहे हैं गाइस। ये सच में भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये तो आर्मी के बंदे। इसके बाद में ना अपने गैंग के बंदे भी पूरी तरीके से परेशान हो जाएंगे और वो भी बोलने लगेंगे कि भाई कितनी ज़्यादा पावरफुल आर्मी है। और अपने दुश्मन का तो मैं क्या ही बोलूँ, वो तो भाई अपने सामने आने के लिए भी सोचेंगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका है गाइस यहाँ पे। भाई मैं थोड़ा सा दूर हट जाता हूँ, पूरा का पूरा भाई इन लोगों ने यहाँ पे आग लगा दी है और मिसाइल से तो इतना ज़्यादा खतरनाक वाला यहाँ पे फायर कर रहे हैं ना ये लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि $50 मिलियन अपन ने इनके ऊपर लगा के बहुत ही ज़्यादा सही काम कर दिया है, और अभी ना सिक्योरिटी भी थोड़ी बहुत अपने को अच्छी से मिलती रहेगी। सच में गाइस बहुत ही ज़्यादा मस्त है यार ये लोग, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ये मशीन गन वगैरह देखने पे ना मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यार कितना ही ज़्यादा मज़ा आता होगा ये चलाने में। और मिसाइल भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली इन लोगों के पास है। तो छोड़ दो, इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह मैंने देख ली है और मेरा तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सही हो चुका है गाइस। तो यार चलो फिलहाल के टाइम में ना आप मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखो पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज एक मुझे डील भी करनी है भाई मैक्सिकन गैंग के बंदों के साथ में, एक ड्रग की डील है समझ लो, उसका पैसा वगैरह भी मुझे लेना है। जो ड्रग्स ना भाई लिबर्टी सिटी जाने वाले है, और पीछे क्या ही खतरनाक वाली तबाही इन लोगों ने मचा रखी है। अभी ना अपनी गैंग यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो चुके गाइस। वैसे तो अपने गैंग के बंदे भाई पता नहीं अब जेल भी जाने वाले हैं, वैसे ट्रेवर और लमार का भी ना कोर्ट में ट्रायल वगैरह चल रहा है, तो वो हिसाब से उन लोगों का भी भरोसा नहीं है कि अब वो भी जेल से कब तक बाहर आएंगे। लेकिन फिलहाल के टाइम में अपने को अपनी सिक्योरिटी तो यहाँ पे देखनी ही पड़ेगी। मैं यहाँ से निकालता हूँ गाइस गाड़ी को, और लेस्टर भी मुझे यही बोल रहा था कि माइकल जा भाई तू जाके ना काम का वगैरह देख ले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने को काम करने है। और अभी मिलिट्री बेस पूरा का पूरा यहाँ पे हिल रहा है, उतनी ज़्यादा ये लोग फायरिंग किए जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, चलो यार मैं यहाँ से सीधा सीधा निकलता हूँ भाई, और एक गेट खुलेगा कि नहीं छोड़ दे, इसे तोड़ के ही निकलता हूँ। क्या ही करना है भाई अपने को, बाद में लोग देखते रहेंगे, बेकार वाले गेट लगा के रखते हैं गाइस ये। तो सीधा भगाता हूँ भाई मैं, अभी चलता हूँ यार सीधे का सीधा, अपने को ना पैसिफिक ओशन के पास में जाना है जहाँ पे मैक्सिकन गैंग के बंदों के साथ में अपने को बहुत बड़ी डील करनी है आज की। कम से कम भाई अपने को $15 मिलियन तो वहाँ पे मिल ही जाएंगे जहाँ तक लेस्टर बोल रहा था, तो वो हिसाब से। लेकिन ये इंपॉर्टेंट डील है तो चलता हूँ। अपने बंदों को भी मैंने बता दिया था कि वो भी जल्दी से भाई वैन में ना सब कुछ माल वगैरह लोड करके पैसिफिक ओशन के पास में पहुँच जाए, क्योंकि वहीं पे अपने को डिलीवरी करनी है। मैं यहाँ पे पैसिफिक ओशन के पास में पहुँच गया हूँ। एक तो ये लॉस सैंटोस का हाईवे इतना लंबा है कि पूरी तरीके से भाई कन्फ्यूज़ होने लग जाता है, और देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो यार बोर्ड तो यही है सही में। अभी ना मुझे बीच के पास में चलना पड़ेगा, तो यहाँ से अपने को गाड़ी ना नीचे उतारनी है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि रास्ता कहाँ से, अच्छा चलो यहाँ से भाई रास्ता। तो अभी अपने को अपनी जी वैगन की ऑफ रोडिंग का मज़ा आने वाला है। सच में यार गाड़ी ना बहुत ही ज़्यादा सही है गाइस ये। तो अभी जल्दी से देख लेता हूँ भाई, डील वगैरह करते हैं, और उसके बाद मैंने अपने को अपनी कार्स की डिलीवरी वगैरह भी लेनी है जो मैंने शोरूम के लिए भी मंगाई है। और आपने जो कमेंट्स किए थे ना भाई, वो गाड़ी मेरे ख्याल से आज अपने को मिल भी जाएगी। और ये बंदे देखो यार यहाँ पे भाई जॉगिंग वॉगिंग करते रहते हैं बंदे, एक तो सुबह सुबह में इतना ज़्यादा मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। और प्रॉपरली देखो अपनी डील ना यहीं पे चल रही है, तो मैक्सिकन गैंग के बंदे भी यहाँ पे आ चुके हैं और ट्रक वगैरह लेके अपने बंदे भी यहाँ पे आ गए हैं। तो टेंशन की ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे बात नहीं है, तो चल के जल्दी से भाई इन सब से बातचीत वगैरह कर लेता हूँ और देखता हूँ कि पेमेंट वगैरह ये लोग कब तक देने वाले हैं। और आराम से भाई ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से ना डील वगैरह यहाँ पे हो गई है।
माल वगैरह ये लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो चलो गाड़ी वगैरह इन लोगों ने यहाँ पे सब कुछ खाली कर दिया भाई। तो अपने बंदे ना सुबह सुबह यहाँ पे आके जल्दी से काम वगैरह कर दिया, बहुत ही ज़्यादा सही हो गया। और अभी जैसे इनको मालूम पड़ेगा ना कि मिलिट्री वगैरह मैंने यहाँ पे बुक करा ली है, तो ये भी खुश हो जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह भी बढ़ जाएगी। और ये बातचीत वगैरह यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, ना तो इनके हाथ में मुझे पैसों की बैग दिख रही है, ना तो यार यहाँ पे ये लोग उनसे बात कर रहे हैं। देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। अपने बंदे बोल रहे हैं कि मैक्सिकन गैंग के बंदे ये डील के ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह मांग रहे हैं। तो मैंने इनको बोल दिया कि डिस्काउंट वस्काउंट तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। तो ये बता रहे हैं कि माइकल भाई आप ही चल के बात कर लो यार डॉन के साथ में। तो अभी देखता हूँ यार कौन है बंदा ये डॉन। नाम डॉन रखने से भाई डॉन हो जाता है क्या? ये मैक्सिकन गैंग के बंदे ना बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं यार। एक तो इतनी अच्छी यहाँ पे डील हम इनको दे रहे हैं और भाई सस्ते में ही दे रहे हैं हम इनको। लॉस सैंटोस में हमसे ज़्यादा सस्ते में इनको ये ड्रग्स वगैरह कोई भी प्रोवाइड नहीं करा सकता। लेकिन फिर भी देख लो ये जो बीच में बंदा खड़ा है ना भाई, यही अपने आप को डॉन बोलता है। एक तो यहाँ पे देखो मैक्सिकन गैंग का जो लीडर है ना भाई, मैक्सिकन डॉन, वो ऑफिशियल डॉन है गैंग का। लेकिन ये नाम का डॉन है भाई जो यहाँ पे सिगरेट वगैरह फूंक रहा है ना। और अभी इनका बंदा यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग वेकिंग भी कर रहा है। अपने बंदे बोल रहे थे कि सब कुछ यहाँ पे इनको प्रोडक्ट वगैरह भी एकदम सही लगा, लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई पैसे ना ये लोग डिस्काउंट यहाँ पे मांग रहे हैं। तो भाई मॉल वगैरह में आए हो क्या तुम लोग? यहाँ पे क्या कर रहे हो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और टकला देखो भाई, ये क्या यार मजाक कर रहे हो क्या? अरे आराम से टकले, आराम से। यहाँ पे हम इतने टाइम से इनके साथ में डील कर रहे हैं गाइस। और ये टकलू देखो उल्टी सीधी यहाँ पे बातें किए जा रहा है। ये बोल रहा है कि माइकल देख ले, हम तुम्हारे हाथ से ना ये डील जाने देंगे, अगर तू हमें पैसे वैसे डिस्काउंट नहीं करके देगा ना तो देख ले बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई ये हमें डराने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी देख लो इतने सस्ते दाम में हमने इनको यहाँ पे ये सब कुछ डिलीवर कर दिया है। और सही तरीके से भाई अब ये लोग ना यहाँ से ये सब कुछ लिबर्टी सिटी लेके जाएंगे और इसे इससे दुगने प्राइस में बेचेंगे भाई। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गलत ये लोग कर रहे हैं। एक तो मुझे यहाँ पे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने बंदे भी देखो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं यार, इतने सारे बंदे इनके पास हैं तो यहाँ पे ये लोग हमारे साथ में ये करेंगे क्या? और अभी ना ये बंदा बोल रहा है कि माइकल गन निकाल के तू यहाँ पे क्या दिखाना चाहता है भाई, तू लड़ने वाला है क्या हमारे साथ में? लड़ने वाला नहीं हूँ टकले, तुझे ख़त्म करने वाला हूँ साले, मत चल निकल यहाँ से बेकार में भाई। इनको फालतू का डिस्काउंट चाहिए। और देखो इनके बंदे पूरे के पूरे जोश में आ चुके हैं। अभी ना दिखाता हूँ इन लोगों को, रुको। बहुत ही ज़्यादा इनको डिस्काउंट वगैरह चाहिए ना, अब ये डील भी नहीं होगी और पैसे भी इनके पास से मैं छीन के लेके जाऊँगा एकदम पूरी तबीयत के साथ में, दिखाता हूँ। रुको अपने बंदे भी ना यहाँ पे मारना शुरू कर दिया यार। अपने बंदे तो पहले गुस्से में आ गए थे जब मैं इनके साथ में बातचीत वगैरह कर रहा था ना, तभी अपने बंदे बोल रहे थे कि माइकल भाई इनको इनकी असली जगह दिखाई देते हैं अपन। अभी देखो बहुत ही और गलती से भी एक गोली अगर मैं जी वैगन को लगी ना सालों तो तुम्हें से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। जी वैगन से दूर हटना, जी वैगन का क्या कवर ले रहा है तू, निकल यहाँ से भाई। जी वैगन का कवर लेने लग गया बंदा ये, रुको रुको। मेरे ख्याल से गोली वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं लगी। और यहाँ पर भी बंदा है ये देखो, यहाँ पे प्रॉपरली भाई कवर वर ले रहे हैं बंदे ये। ये देखो यहाँ पे छुप के मारे जा रहा है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला सिचुएशन यहाँ पे हो चुका है। और अभी ना आराम से अगर ये लोग हमें पूरे पैसे दे देते तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता। तू क्या कर रहा है यहाँ पे, छुप क्या रहा है भाई ये बंदा? अभी ना गाइस यहाँ पे देख लो सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और सारे के सारे बंदों को अपने गैंग के बंदों ने भी भाई बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से ख़त्म कर दिया। और अभी ना भाई एक काम मैं यहाँ पे बोल देता हूँ उनको कि जल्दी से जल्दी ना पैसों की बैग को मैं ढूंढ लेता हूँ और अपने बंदों के पास में दे देता हूँ। पैसे तो थोड़े बहुत तो यहाँ पे लेके आए होंगे ना ये लोग। और ये टकलू देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उछल रहा था बंदा ये, इसे ना इसकी असली जगह भी मैंने दिखा दी। और यहाँ पे अब ये माल वाल भी ना, तुम सब लोग एक काम करो जल्दी से ये माल को वापस से गाड़ी में रख लो और वेपन्स वगैरह अपनी पहले तो तुम लोग अंदर रख लो। गाड़ी में रख के ना भाई यहाँ से तुम लोग जल्दी से निकल जाओ, मैं एक मिनट बैग यहाँ पे आसपास में देख लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे मैंने सब कुछ अपने बंदों को बता दिया है। और ये बोल रहे थे कि माइकल भाई एक काम करते हैं ना, हम ही सब कुछ यहाँ पे माल वगैरह लेके लिबर्टी सिटी को चले जाते हैं और डबल प्राइस में वहाँ पे बेच के आते हैं। फिलहाल में मैंने इनको बोल दिया कि तुम्हें ऐसा कुछ भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल ना तुम सब कुछ यहाँ पे ट्रक के अंदर लोड कर लो। तो अपना बंदा यहाँ पे भाई लोडिंग की तैयारी वगैरह कर रहा है। तो मैं काम करता हूँ जल्दी से देख लेता हूँ कि पैसों की बैग भाई एग्जैक्टली है कहाँ पे, यहीं कहीं पे होनी चाहिए ये कार इनकी मुझे ही लग रही है। तो यहाँ पे देख लेता हूँ भाई कार के अंदर वगैरह इन लोगों ने यहाँ पे रख रखे होंगे पैसे वगैरह। तो पीछे की डिक्की में ओपन कर लेता हूँ और देखो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला यहाँ पे कंडीशन हो गई गाइस। लेकिन जो भी हो मैक्सिकन गैंग के बंदों को मैंने उनकी असली जगह दिखा दी, लेकिन इस वजह से अब मैक्सिकन डॉन ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाला है। फिलहाल तो यहाँ पर कार के अंदर नहीं है भाई बैग है, तो कहाँ पे भाई पैसे वैसे लेके नहीं आए थे क्या बंदे ये? मैं तो इनसे पूछना ही भूल गया, पहले मैं पैसे वैसे देख लेता तो बहुत ज़्यादा सही हो जाता। लेकिन मुझे लग रहा है कि आसपास में ना अपने को मिल ही जाएंगे भाई पैसे। तो मैं काम करता हूँ बोट वगैरह में देख लेता हूँ, ये वाली बोट में मुझे लग रहा है हो सकता है। अच्छा चलो यहाँ पर भी भाई इन लोगों ने नहीं रख रखे हैं, कहाँ पे होंगे भाई अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर एक्चुअल में पैसे यहाँ पे ये लोग नहीं लेके आएंगे ना, ओके, तो यहाँ पे मुझे बैग लग रही है तो इसी के अंदर डेफिनेटली पैसे होंगे।
तो जल्दी से इसे उठा लेता हूँ। चलो पैसे भी मिल गए और अपने डील का सामान भी अपने पास ही रह गया, तो अब अपने को यहाँ पे एक तरीके से वही डबल प्रॉफिट हो गया समझ लो। लेकिन मेक्सिकन डॉन जो है ना वो तो चुप बैठने नहीं वाला है, देख लेंगे यार, वैसे भी ज़्यादा पावरफुल तो है भी नहीं वो। तो यहाँ पे अपने बंदे भी ना पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं सामान वगैरह लोड करने की, तो मैं अपने बंदे के पास ये पैसे दे देता हूँ, ये बाद में जाके भाई अपने बेस में रख देगा। यहाँ पे बैग मैंने अपने बंदे को दे दिए और ये बोल रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी भाई यहाँ से निकल जाएंगे, और मैंने भी इनको यही बोला कि निकल जाओ भाई क्योंकि पुलिस वाले भी वगैरह यहाँ पे आ सकते हैं। और अपने बंदे भी भाई यहाँ पे सही तरीके की गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखने में ये सुपरा की भाई कॉपी मॉडल है, लेकिन यार प्रॉपरली ना ये सुपरा के जैसी लग रही है सच में यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा सही है। लेकिन हो सकता है कि ये चाइनीज़ मॉडल वगैरह होगी। अभी ना फिलहाल के टाइम में काम यहाँ से हो गया है, तो मैं काम करता हूँ भाई, सीधा ना अपनी कार की डिलीवरी लेने के लिए चलता हूँ। अपने शोरूम के लिए भाई नई वाली गाड़ियाँ जो मैंने मंगाई है ना वो अपने को लेना पड़ेगा। अभी देखता हूँ एयरपोर्ट के पास में मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि यार देखो स्पेशल डिलीवरी में मैंने ऑर्डर कराई है, तो वो हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत ना अपने को स्पेशल तरीके से मिलने वाली है वो गाड़ियाँ। तो गाड़ी भगाता हूँ भाई, सीधा एयरपोर्ट के पास में चलता हूँ। पैसे अपने को यहाँ पे थोड़े बहुत तो मिल गए, चलो सही हो गया, अपना माल भी अपने पास बच गया और पैसे भी मिल गए, इससे अच्छा तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता था। और क्या ही ज़्यादा पावरफुल है भाई गाड़ी है, ये गाड़ी ना ऑफ रोडिंग में चलाते टाइम पे भी ऐसा लगता है कि भाई इसे मैं हाईवे के ऊपर ही चला रहा हूँ। तो चलो सीधा अब लॉस सैंटोस के भाई एयरपोर्ट को चलता हूँ, वहाँ पे चल के देखते हैं कि अपने को डिलीवरी वगैरह मिलने वाली है कि नहीं। अगर डिलीवरी वगैरह होने वाली होती है ना भाई तो बंदों का फ़ोन वगैरह हो जाता है, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पे फ़ोन भी नहीं आया और कुछ भी नहीं आया। तो एयरपोर्ट को चल के मैं कंफर्म ही कर लेता हूँ, फिर देखते हैं भाई। एक तो अपना ना जिमी हॉस्पिटल के अंदर है और अभी ना उसका इलाज वगैरह भी चल रहा है। कल जैसा कि आपको मालूम है उसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी भाई किडनैप जब बंदों ने उसे किया था, तो अभी बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। तो अपन उसके पास भी जाएंगे मिलने को, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट अपने लिए ना भाई पैसे कमाना है समझ लो। तो वो हिसाब से मैं अपने ये सारे काम कर रहा हूँ। तो भाई चलो सीधा चलता हूँ भाई, मैं गाड़ी को भगाता हूँ अभी ना एयरपोर्ट के पास में अपन चलते हैं और चल के देखते हैं कि कब तक अपने को अपनी डिलीवरी वगैरह मिलने वाली है। मैं यहाँ पे एयरपोर्ट के पास में आ गया हूँ और मैं सोच रहा था कि भाई ऑफिस में जाके कंफर्म कर लूँ क्या एक बार कि अपनी डिलीवरी वगैरह होने वाली है कि नहीं आज। तो नहीं तो एक काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यार, सीधे का सीधा ना मैं डिलीवरी ऑफिस के पास ही चलता हूँ समझ लो, वहाँ पे चल के अपने को पता चल ही जाएगा कि अपनी गाड़ियाँ आई हैं कि नहीं। अगर वहाँ पे नहीं आई होंगी तो ऑफिस में तो मैं जाके क्या ही कर लूँगा। तो एक काम करता हूँ भाई, चलो एयरपोर्ट के अंदर तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो देख लेता हूँ अभी ना एग्जैक्टली मुझे थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्रॉपरली कहाँ पे है। अच्छा चलो सामने की तरफ में पोस्टर लिखा हुआ है ना, तो यही है भाई एग्जैक्टली यहीं पे सारी की सारी डिलीवरीज वगैरह होती हैं। तो यहाँ पे बंदे भी मुझे दिख रहे हैं डिलीवरी वाले, इनसे बात करूँ क्या? और यहाँ पे मुझे ट्रक वगैरह भी कुछ भी नहीं लग रही यार, ये क्या है, सब कुछ यहाँ पे बंद हो रखा है। कहीं आज डिलीवरी वगैरह नहीं हुई ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस। एक तो मैं बहुत ज़्यादा घूम रहा हूँ यार, और एक मिनट यहाँ पे यार ट्रक वगैरह लगी हुई है, हो सकता है कि अपनी गाड़ी इसी के अंदर आई होगी। और प्रॉपरली मैंने यहाँ पे दो गाड़ियाँ मंगाई है, छोड़ दो यार चल के देख ही लेता हूँ। यहाँ पे ना बंदे भी मुझे दिख रहे हैं, और ये ट्रक देखो यहाँ पे स्पेशल डिलीवरी के लिए ना भाई यही ट्रक को ये प्रोवाइड कराते हैं, और देखने में मुझे कुछ ज़्यादा ही छोटी लग रही है भाई ट्रक है। रुको रुको नहीं, एक हिसाब से आपको देखने में बड़ी लग रही होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है ना गाइस इसके अंदर भाई सिर्फ एक ही गाड़ी आती है, दो गाड़ियाँ तो इसके अंदर आ ही नहीं सकती। यार मैंने तो दो गाड़ियाँ मंगाई थी, पता नहीं भाई। और यहाँ ये ट्रक की खास बात ये होती है कि भाई जो कार का कलर होता है ना उसी कलर के कंटेनर में ये लोग बेचते हैं। अब समझ लो ये कंटेनर का कलर रेड है तो इसके अंदर रेड कलर की गाड़ी होगी, तो वो हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बता रहा था। तो छोड़ दो यार, मुझे सामने की तरफ में ना इसका ड्राइवर वगैरह दिख रहा था, तो चल के देख लेता हूँ उससे, मैं बात करके पूछ लेता हूँ भाई कि अपनी गाड़ी डिलीवरी कब तक होने वाली है। और ये देखने पे ना दो गाड़ियाँ मैंने मंगाई थी तो वो हिसाब से मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है। एक तो अपन ने मंगाई है भाई अपनी रेंज रोवर, और उसके साथ में यहाँ पे अपनी बेंटले की कॉन्टिनेंटल GT भी आने वाली है। जस्ट यहाँ पे कंफर्म करते हैं कि अपनी गाड़ियाँ आने वाली हैं कि नहीं।
यहाँ पे सच में बहुत ही ज़्यादा सही इनकी सर्विस है। जिस तरीके से इसने डिलीवरी दी है ना भाई, गाड़ी की मज़ा ही आ गया सच में। और गाड़ी को देख लो, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है ये बंदा बोल रहा है भाई। फिलहाल तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहा है ड्राइवर ये, और यहाँ पे इनकी बात वगैरह चल रही है कि अब ये सब कुछ सॉर्ट कैसे करना है। ऑनलाइन में मैंने पेमेंट वगैरह तो वैसे भी कर ही दी थी इन लोगों को, और बाकी की जो पेमेंट है ना वो बाद में मैं कंपनी के थ्रू कर लूँगा। और गाड़ियाँ देखो गाइस कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है भाई। और जैसा मैं आपको बता रहा था, देख लो रेड कलर की अपनी रेंज रोवर है, तो इसके लिए यहाँ पे इन लोगों ने भाई रेड कलर का कंटेनर दे रखा है। और मैं पर्पल कलर देखने के बाद में वही सोच रहा था कि पर्पल कलर की भाई इन लोगों ने यहाँ पे अपनी बेंटले भेजी है क्या। और देखो पर्पल और क्रोम कलर मिक्स है यहाँ पे, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है गाइज ये भी। तो यहाँ पे गाइज आपके ये दो गाड़ियों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे भाई, तो जल्दी से जल्दी मैंने सोचा कि यही गाड़ियों को ख़रीद लेता हूँ। अभी ना अपने शोरूम पे जाएगी ये गाड़ियाँ, और अगर मुझे वैसी कुछ ज़रूरत भी पड़ती है ना तो मैं लेके भी आराम से घूम ही सकता हूँ भाई गाड़ियों को। लेकिन सच में कलर ना दोनों ही गाड़ियों का मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। और देख लो ट्रक के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा था कि ये ट्रक के अंदर ना सिर्फ एक ही गाड़ी आती है, वो हिसाब से मैं भी यहाँ पे डाउट में आ गया था। अंदर की तरफ में ना ज़्यादा बड़ा होता ही नहीं है भाई ये, यहाँ पे एक तो छोटी यहाँ पे कंजेक्टर जगह है पूरी की पूरी वो हिसाब से, लेकिन मस्त यहाँ पे पूरा प्रोटेक्शन के साथ में आती है भाई। चाहे बारिश आए या फिर कुछ भी आए, यहाँ पे प्रॉब्लम तो अपनी गाड़ियों को कुछ भी नहीं होती। और फिलहाल के टाइम में मैंने इसे बेनी का नंबर वगैरह दे दिया है और बोल दिया है कि मेरा बंदा आके भाई लेके चला जाएगा गाड़ियों को। और ये बता रहा था कि सर डॉक्यूमेंट्स का काम ना थोड़ी देर में हो जाएगा, और ये एयरपोर्ट ऑफिस के अंदर भी जाके कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का काम करने वाला है। तो फिलहाल मैं यार चलो गाड़ियाँ तो सही हो गई, जस्ट इसने मुझे यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोला है, तो मैंने इसे कंफर्म वगैरह सब कुछ कर दिया है। और देखने में तो मुझे ऐसा कुछ भी लग भी नहीं रहा है गाइस, और अंदर से अब क्या ही देखना भाई। गाड़ियाँ जब कंपनी अप्रूव करके भेजती है ना गाड़ियाँ, तो सच में गाड़ियाँ एकदम मस्त ही होती है। और इसका मुझे रेड कलर का इंटीरियर यहाँ पे लग रहा है, वैसे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलो अच्छा यार इसका तो बहुत ही सही वाला यहाँ पे रेड कलर का इंटीरियर है, मस्त है यार गाड़ी, ज़्यादा कुछ भी अपने को यहाँ पे टेंशन नहीं है। और पीछे से लुक वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा सही है। जो मैं पहले मंगा रहा था ना भाई गाड़ियाँ, वो गाड़ियों के ऊपर बेकार में स्क्रैचेस वैचेस आ रहे थे, और गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी दे रही थी। तो वो हिसाब से मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत महंगा हो गया तो महंगा हो गया भाई, अपनी गाड़ियाँ ना अपने को सही कंडीशन में मिलनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब यहाँ पे हो गया, बेनी आके बाद में देख लेगा भाई और शोरूम को लेके चला जाएगा गाइस। तो एक काम करता हूँ भाई, मैं सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी ना अपने जिमी को चल के मिलता हूँ और देखता हूँ कि अब डॉक्टर ने क्या क्या बोला है। वैसे तो सुबह में डॉक्टर बोल रहा था कि जिमी पूरी तरीके से रिकवर हो रहा है, लेकिन फिर भी यार बहुत ही ज़्यादा उसे चोटें वगैरह लग रखी हैं, तो अभी पता नहीं अब कितने दिन उसे और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ये सब तो चलता ही रहेगा। और फिलहाल में ना वो सीक्रेट गैंग के बंदे कौन थे, अभी भी लेस्टर बोल रहा था कि वो भी भाई सोच ही रहा है और ढूंढ भी रहा है, और हैकर को भी ना काम पे लगा रखा है कि हैकर भी देख के भाई पता लगा सके कि एक्चुअल में वो कौन थे बंदे जिन्होंने किडनैप किया था जिमी को। अगर वो पता चल गया ना तो उनको तो छोड़ने वाला तो मैं हूँ नहीं भाई, जैसे ही पता चलता है ना उनके ऊपर वैसे ही अपन हमला कर देंगे। और अपने पास तो अपनी आर्मी भी आ जाएगी 1 से 2 दिन में, और घर के पास भी अपने को भाई सिक्योरिटी वगैरह लगानी है अपनी। आपके कमेंट्स भी आते हैं कि सिक्योरिटी वगैरह भी रखनी चाहिए यार अपने को, तो वो हिसाब से अभी ना अपने को सिक्योरिटी के ऊपर भी अच्छा खासा पैसा यहाँ पे खर्चा करना है, तो वो तो अपना सब कुछ यहाँ पे चलता रहेगा। तो मैं काम करता हूँ भाई, चलो सीधा ना हॉस्पिटल के पास में चलता हूँ और चल के देखते हैं कि वहाँ पे जिमी की कंडीशन वगैरह कैसी है। मैं हॉस्पिटल के पास आ गया हूँ, और जब मैं जिमी को यहाँ पे एडमिट करने आया था ना, तो मैंने नीचे की तरफ में एडमिट किया था भाई पिल बॉक्स के, और अभी देख लो उन लोगों ने इसे ऊपर की तरफ में शिफ्ट कर दिया है। और एक मिनट, यहाँ पे अपनी दोनों गाड़ियाँ मुझे दिख रही है, निसान GTR भी है और BMW X7 भी है भाई। यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ लेके कौन आया होगा? वेट, ओके ओके, हो सकता है कि अमांडा के रिश्तेदार वगैरह आए होंगे और वो अपनी गाड़ियों में यहाँ पे लेके आ गई होगी भाई रिश्तेदारों को। फिलहाल के टाइम में ना इनके रिश्तेदारों में भी सनसनी मच गई होगी किस तरीके से यहाँ पे अपना जिमी जो किडनैप हुआ है। छोड़ दे यार, सही है भाई, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होने का अपने पास कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। लेकिन पिल बॉक्स ना बहुत ही ज़्यादा मस्त इन लोगों ने यहाँ पे बना रखा है गाइस। नीचे की तरफ जब मैं गया था ना भाई, तो उतना कुछ वहाँ पे खास नहीं है, वैसा ही सब कुछ पुराना वाला है। और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक डोर का सिस्टम विस्टम लगा के बहुत ही ज़्यादा सही इन लोगों ने कर रखा है। और एक मिनट भाई, अब यहाँ पे मुझे रॉकी का फ़ोन आ रहा है यार। भाई रॉकी किस लिए फ़ोन लगा रहा है? अभी रुको रुको, हॉस्पिटल के अंदर बात नहीं कर सकते अपन, तो जल्दी से ना बाहर चलता हूँ भाई मैं। अभी रॉकी का पता नहीं मुझे अब ये किस लिए फ़ोन लगा रहा होगा, तो यहाँ पे बात कर लेता हूँ जल्दी से। रॉकी बोल रहा था कि माइकल कहाँ है यार तू, काम वाम कुछ भी तू देख नहीं रहा है, और शोरूम को क्यों तू नहीं गया? मैंने उसे बोल दिया कि देख ले भाई, फिलहाल में ना मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बिजी हूँ,
और प्रॉब्लम लाइफ में बहुत ही ज्यादा चल रही है, तो यहाँ पे जल्दी से मैं इसे पूछ लेता हूँ भाई। तो ये बोल रही है कि जिमी नाउ ऑपरेशन थिएटर के अंदर है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, ऑपरेशन अभी तक चल रहा है क्या? वैसे डॉक्टर बता भी रहे थे कि कल ना ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से यार लगभग रात में ना ऑपरेशन हो भी गया होगा। अभी देखता हूँ, अमांडा को भी संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी ना बहुत ही ज़्यादा डर गई होगी ये सब चीज़ों को देखने के बाद में। अच्छा चलो, ऑपरेशन थिएटर तो यहाँ पे है, तो जल्दी से भाई मैं ऑपरेशन के रूम में चल के देख लेता हूँ कि अब यहाँ पे चल क्या रहा है भाई प्रॉपरली। और वेट गाइस, यहाँ पे देखो जिमी ना भाई आराम से मेरे ख्याल से सोया हुआ है, और अभी मुझे उसकी हालत ना एकदम यहाँ पे सही लग रही है फिलहाल। तो चोटे वोटे भी उसकी थोड़ी बहुत यहाँ पे ठीक हो चुकी है, और देखो मरहम पट्टी वगैरह कर रखी है। और यहाँ पे भाई ये लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, मुझे अमांडा के रिश्तेदार वगैरह कोई भी नहीं दिख रहा भाई यहाँ पे, ये क्या चल रहा है? रुको एक मिनट, मैं ट्रेसी से बात करके देखता हूँ। यहाँ पे ट्रेसी बोल रही है कि दोनों गाड़ियाँ ना यही लेके आए हैं भाई, एक BMW X7 जो है ना वो अमांडा लेके आई है, और जो निसान GTR है जो अपना जिमी यूज़ करता है ना भाई, वो ट्रेसी लेके आई है। ट्रेसी भी कहीं पर बाहर गई हुई थी, वो यहाँ पर बता रही है। फिलहाल के टाइम में ना मैं काम करता हूँ, जल्दी से डॉक्टर के साथ में चल के बात कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डॉक्टर से पूछने आया था, जब मैंने इनको पूछा कि कैसी है अब जिमी की तबीयत वगैरह, तो ये बोलने लगे कि इनको भी नहीं मालूम है। तो डॉक्टर के कैबिन में चल के डॉक्टर से बात कर लेता हूँ, और देखता हूँ भाई यहाँ पे अब क्या बोलता है अपना डॉक्टर भी। ये बोल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सही हो गया जो जिमी को मैं टाइम पे यहाँ पे हॉस्पिटल को लेके आ गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी वाली प्रॉब्लम भी हो सकती थी। और फिलहाल के टाइम में डॉक्टर यहाँ पे दिखा भी रहा था गाइस मुझे, यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो भाई कि पैर की हड्डी भी टूट चुकी है, और जिमी के भाई गर्दन की हड्डी भी यहाँ पे टूट चुकी है। अब मैं क्या ही बोलूँ यार, बहुत ही ज़्यादा बेकार यहाँ पे काम किया है ये गुंडों ने। अब जैसे ही मुझे पता चलेगा ना कि कौन थे भाई एक्चुअल में इन लोगों ने जो किडनैप किया है, और ऊपर से अपने यहाँ पे $25 मिलियन भी मैंने उनको दे दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने जिमी को मुझे सही तरीके से नहीं दिया भाई। जिमी को जहाँ पे रखा था ना वहाँ पे बॉम्ब वगैरह लगा दिया, तो अभी तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। और अभी डॉक्टर मुझे डराने लग गया भाई, इसने बोला कि भाई 2 से 3 मिलियन का बिल आएगा हॉस्पिटल का। मैं तो सुनते ही शॉक हो गया यार, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं जिमी को सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाता, लेकिन छोड़ दो भाई, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अब अपने को बिल वगैरह भी पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। और फिलहाल के टाइम में ना गाइस चलो यार मैं यहाँ से चलता हूँ भाई, अभी ना सीधा अपन चलते हैं अपने शोरूम के पास में चल के थोड़ा बहुत काम वगैरह कर लेते हैं। अभी तो अपनी गाड़ियाँ वगैरह भी बेनी लेके आ गया होगा, तो वो भी अब मुझे चेक करना पड़ेगा। तो गाड़ियाँ वगैरह तो मुझे सब कुछ सही दिख रही थी यार, वो हिसाब से तो अपने को ज़्यादा कुछ भी टेंशन नहीं है। लेकिन फिलहाल के टाइम में ना हैकर भी अपने काम पर लग चुका है, तो हैकर जैसे ही बताएगा कि वो बंदे कौन थे, और अभी तक भाई 2 दिन हो गए, लेस्टर भी यही बोल रहा था कि माइकल अभी तक हमें कुछ भी नहीं समझ में आया कि वो बंदे कौन थे। और वेट भाई एक मिनट, यहाँ पे मुझे बेनी का फ़ोन आ रहा है, अभी तो मैं यहाँ पे शोरूम के पास ही जा रहा हूँ, अब ये किस लिए फ़ोन लगा रहा होगा, बात कर लेता हूँ। वेट, यहाँ पे बेनी बोल रहा है कि माइकल जल्दी से तू शोरूम पे आ जा यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे समझ में नहीं आया गाइस क्या प्रॉब्लम हुई है भाई, ये बोल रहा था कि प्रॉब्लम हो गई है भाई, तू जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जा शोरूम पे। तो मैंने फिलहाल तो यहाँ पे ट्रेसी को बोल दिया है कि वो अपनी जी वैगन को भाई घर पे लेके चली जाए, और मैं यहाँ पे निसान GTR को लेके जा रहा हूँ। देखो जब से ना मैं यहाँ पे जी वैगन को लेके घूमने जा रहा हूँ भाई, कुछ भी नहीं चल रहा है। और अभी तो अपने को सिटी के बाहर भी नहीं जाना है, तो वो हिसाब से मैंने भी सोचा कि थोड़ा अपन निसान GTR को यहाँ से लेके चलते हैं। और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है यार गाड़ी, है सच में पावर का फ़र्क ना समझ में आ जाता है गाइस। लेकिन अभी देखता हूँ यार, चलता हूँ शोरूम के पास में, और प्रॉब्लम क्या हुई है ये अपन देखते हैं। और ये पूरी बात बताते क्यों नहीं है भाई बंदे, मुझे समझ में नहीं आता, हर बार ऐसा ही बोल के कट कर देता है यार बंदा ये। ये निसान GTR लेके ना मैं लॉस सांतोस से पलिटो तो ऐसे ही पहुंच सकता हूं भाई, और यहां पे देखो शोरूम को तो मैं बातों बातों में पहुंच गया हूं। तो चलो यार देख लेता हूं ये बड़ी प्रॉब्लम क्या है। वैसे इन लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन माइकल के लिए ना भाई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये। और पुलिस वाले यहाँ पे आए हुए हैं भाई, ये मुझे देख के थोड़ी ज़्यादा लग रही है, ये ज़्यादा बोल दिया शायद मैंने। पुलिस वाले यहाँ पे अपनी कार्स के पास में क्यों खड़े हुए भाई, और इनके शक्ल से ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ये लोग यहाँ पे गाड़ी खरीदने के लिए आए हैं। और फिलहाल मैं ना छोड़ दो, टेंशन मुझे कुछ भी नहीं है भाई। मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि मैं डर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है समझो, क्योंकि गाड़ियाँ जो है ना भाई सारी की सारी लीगल है, और मैंने शोरूम से भाई प्रॉपर कंपनी से मंगाई है, तो डॉक्यूमेंट्स का काम तो एकदम सही तरीके से अपना हो गया है। और अभी ना मेरे ख्याल से पुलिस वालों का यहाँ पे कुछ तो अलग सीन चल रहा है। और एक मिनट, यहाँ पे ये बंदे क्या कर रहे हैं भाई? और एक्चुअल में गाइस ये तो भाई FBI की गाड़ियाँ हैं, इसका मतलब कि FBI के बंदे भाई, ये मैं पुलिस वाले समझ रहा था, प्रॉपर FBI के बंदे यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे ये लोग कर क्या रहे हैं भाई? हेलो, क्या चल रहा है यार ये भाई, इतनी ज़्यादा यहाँ पे ये खोद रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और वेट यार, कुछ तो बताओ भाई क्या चल रहा है ये?
ये बंदा बोल रहा है कि हमें कुछ भी नहीं मालूम है, तुम जाके ना हमारे ऑफिसर से पूछ लो कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। फिलहाल हमारे पास ना सब कुछ लीगल नोटिस है यहाँ पे काम वगैरह करने के लिए, ऐसा यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है। और ये क्या तोड़े जा रहा है भाई, बंद करना भाई, सुन भी नहीं रहा है भाई बंदा, ये क्या ही बोलूँ मैं उसे। और यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो देखता हूँ कि मेन इनका ऑफिसर कौन है। और अब ये मुझे बोल रहा था कि देख ले भाई पूरा का पूरा लीगल नोटिस हमारे पास है, वो हिसाब से हम यहाँ पे काम वगैरह कर रहे हैं। तो अंदर की तरफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है भाई ऑफिसर, तो इससे बात कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये बंदा क्या कर रहा है भाई, ये भी देखो यहाँ पे ना तोड़ताड़ी किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ यहाँ पे खोद रहे हैं भाई लीगल शोरूम के अंदर, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इससे मैं बात करके देखता हूँ कि ये क्या बोलता है। ये बोल रहा है कि इसे भी यहाँ पे कुछ भी नहीं मालूम है। फिलहाल ना FBI के मेन जो ऑफिसर्स हैं वो अपने रूम में बैठे हुए हैं भाई, अपने कैबिन के अंदर, तो वहाँ पे मुझे जाके बात करनी पड़ेगी। और सब कुछ बोल रहा है कि ये पुलिस वालों के अगर बीच में मैंने आने की कोशिश की तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। और ये सब कुछ भाई गवर्नमेंट का काम चल रहा है यहाँ पे बोल रहा है। और देखो अभी भी ना ये बंदा यहाँ पे भाई तोड़े जा रहा है सब कुछ, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो अपना शोरूम अभी अभी यहाँ पे अच्छे से चलना शुरू हुआ है, और इसके बीच में ये लोग यहाँ पे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं भाई। अभी लीगल प्रॉब्लम क्या है, एक तो सब कुछ यहाँ पे मैंने सही तरीके से किया है, और ये बेनी भी मुझे फ़ोन पे कुछ भी नहीं बता रहा था। मैंने इसे पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ भाई, कुछ तो बता दे। और रुको यहाँ पे मेरे ख्याल से ना FBI के मेन ऑफिसर्स रुके हुए हैं, तो चल के इनसे बात कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि एक्चुअल में भाई हुआ क्या है यहाँ पे। ये बोल रहा है कि ये जो शोरूम की अपनी प्रॉपर्टी है ना, ये पूरी तरीके से इलीगल है। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा रहा है, ये बता रहा है कि ये जो साइड वाली रोड है ना भाई, इसे बड़ा करने वाले हैं एयरपोर्ट वाले, तो वो हिसाब से ये पूरी तरीके से अपने को शोरूम को तोड़ना पड़ेगा। और भाई मैं इसे क्या ही बोलूँ, अभी ना मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है। और अपना बेनी भी यहाँ पे यही बोल रहा है कि सर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। और बेनी यहाँ पे बता भी रहा है कि देख लो यहीं पे टेबल के ऊपर रखे भी हुए हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह गाइस। तो फिलहाल के टाइम में ना भाई यहाँ पे सब कुछ मैंने बोल रहा हूँ कि आप चेक कर लो, लेकिन ये मेरी बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये बोल रहा है कि तोड़ने का काम हमने शुरू कर दिया है, अभी ना तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। यार सर क्यों गरीब के पेट पे लात मार रहे हो भाई, समझ में नहीं आ रहा। वेट, ये बोल रहा है कि गरीबों के पास में शोरूम नहीं होता, यार क्या बात कर रहे हो यार सर, एक तो मेहनत के पैसों से मैंने यहाँ पे शोरूम वगैरह बनाया है। रुको यार मेन यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझे मेन डॉक्यूमेंट इसे दिखानी पड़ेगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स मेरे ख्याल से मैंने कहीं यहीं पे रख रखी थी शेल्फ के अंदर में, तो देख लेता हूँ गाइस मैं। रुको भाई कहाँ पे यार डॉक्यूमेंट, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेनी भी यहाँ पे बोल रहा है कि माइकल पता नहीं यार तू नहीं कहाँ पे रख दी, तू ही देख ले। तो मैं काम करता हूँ वो साइड वाले ऑफिस पे चल के देख लेता हूँ। रुको यहाँ पर तो होनी चाहिए गाइस वो, यार मैंने कहाँ पे रख दिया भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो। रुको रुको यहाँ पे साइड में मैं देख लेता हूँ, सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है गाइस, मुझे भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है भाई। और वेट यार यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट कहीं भी नहीं है वो। ओके ओके ओके, अच्छा मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने वो डॉक्यूमेंट भाई लॉयर के पास में दी थी कंफर्म करने के लिए कि सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है क्या नहीं। अभी मुझे देखना पड़ेगा भाई, रुको मैं इसे बता के देखता हूँ कि लॉयर के पास में वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो ये क्या बोलता है भाई। अब यहाँ पे ये ऑफिसर मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है भाई। और यहाँ पे ये देख लो प्रॉपर ना मैप वगैरह में देखे जा रहा है कि कहाँ कहाँ से इसे तोड़ताड़ी वगैरह करनी है। और अभी ना मैं ये बंदे को बोल रहा था कि सर आप कुछ तो पैसे वगैरह लेके हमें छोड़ सकते हो क्या, लेकिन ये बंदा बोलने लगा कि अगर तुमने पैसों की कुछ भी उल्टी सीधी बात की ना तो डेफिनेटली हम तुम्हें जेल में ही डाल देंगे। तो गाइस फिलहाल तो मैंने यहाँ पे बेनी को बोल दिया है कि बेनी तू थोड़ा बहुत यहाँ पे चेक करने की कोशिश कर यार, देख ले तुझे यहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं क्या। फिलहाल तो छोड़ दो, मैं काम करता हूँ ना, सीधा चलता हूँ भाई लॉयर के पास में। अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुकी है गाइस। मैं तो सोच रहा था भाई कि आराम से ना अपनी रेंज रोवर की टेस्ट ड्राइव वगैरह लूँगा और बेनी से पूछूंगा कि गाड़ी वगैरह कैसी है, लेकिन यहाँ पे खेल ही पूरी तरीके से उल्टा हो गया। और देखो अपने कस्टमर्स भी ना यहाँ पे गाड़ियाँ देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनके सामने भाई यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है, तो वो भी देख के क्या ही सोच रहे होंगे। और बेकार में अपने शोरूम के यहाँ पे रेपुटेशन पूरी तरीके से ख़राब हो रही है। अब मैं क्या ही बोलूँ यार, कुछ नहीं बोल सकते। अभी ना सीधा चलता हूँ मैं बाहर की तरफ में, मैं इनको रुका भी नहीं सकता। एक तो समझ लो लीगल तरीके से यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, और ये मुझे बोल रहा था कि कोर्ट वगैरह भी मुझे आना पड़ सकता है। तो देखो यार गाड़ियाँ वगैरह भी उसके लिए यहाँ पे इन लोगों ने उतारने नहीं दी। मेरा ना यहाँ पे पूरी तरीके से दिमाग ख़राब हो रहा है गाइस। एक तो मैं सोच रहा हूँ कि अब लॉयर के पास जाने से पहले ना भाई यहाँ पे मैं कुछ तो उल्टा सीधा कर ही दूंगा, दिमाग मेरा ख़राब हो रहा है। तो सीधी तरीके से तुम लोग यहाँ पे सुन रहे हो कि नहीं, निकल जाओ यहाँ से सीधा सीधा। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी गलती और पुलिस वालों ने मेरे तरफ एम कर दिया है, और ये बोल रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी पुलिस वालों की तरफ में बंदूक दिखा के। फिलहाल में गाइज FBI का ऑफिसर भी यहाँ पे बोल रहा है कि माइकल तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो गई है, हमने तुम्हें बोला था कि लॉयर को फ़ोन लगाओ और लॉयर के साथ में बात कर लो,
लेकिन तुम तो यहाँ पे पुलिस वालों को एक बंदूक दिखाने लग गए। मैं इनको बोल रहा हूँ गाइस कि सर गलती से हो गया यार। ओके फिलहाल तो मैंने इन लोगों के सामने यहाँ पे सरेंडर वगैरह कर दिया है और अभी ये बोल रहे हैं कि बहुत लंबा फंसोगे माइकल तुम। यार एक तो गाइस पुलिस वालों की जगह पे यहाँ पे FBI वालों ने मुझे पकड़ लिया है और प्रॉपरली भाई लॉस सैंटोस के अंदर ना सरेंडर करने के बाद में अब ये लोग मुझे घुमाने वाले हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पे इन लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है और अभी ना बहुत ज़्यादा बड़ी वाली मैं प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। एक मेरी छोटी सी गलती यहाँ पे मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि ये माइकल को इंट्रोगेट करने के लिए पुलिस स्टेशन को लेके जाने वाले हैं। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबा वाला काम चलने वाला है गाइस। अभी आपको वो देखना है तो वो तो भाई अपने को नेक्स्ट वीडियो में ही देखने मिलेगा। तो फिर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।